निज ध्यास तो सर्व तुटो निगेला, बड़े अंतरी शोक संताप ठेला, सुखानंद आनंद भेदे बुड़ाला, मना निश्चयो सर्व खेदे उड़ाला। निज ध्यान जो सकल टूटा कला से, हुआ क्रोध भी शोक भी जो बला से, सुखानंद भी भेद में जो डुबाया, मनोनिग्रह खेद नव में उड़ाया। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करा जी ने शुरू किए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर हमारी कोशिश यही रही है कि लोगों के सामने सकारात्मक खबरें आ जाएं, लोगों के सामने सकारात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। और आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं इसलिए कि कहीं भी कोई भी युक्ति किए बिना, कोई खास कोशिश किए बिना हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो उनकी संख्या 10,000 से ऊपर हो चुकी है। देखिए, ये प्योर ऑडियंस है। इसी चैनल पर हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, उसका नाम है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के मशहूर संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, इस श्लोक संग्रह का हिंदी रूपांतर मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उस पर निरूपण करता हूँ। आज तक हमने 61 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्लोक क्रमांक 62। क्या कहते हैं समर्थ रामदास जी इस श्लोक में? देखिए, ये पूरी किताब जो है श्लोक संग्रह, वो मन के बारे में है, मन को प्रशिक्षित करने का काम करती है। और ये जो श्लोक क्रमांक 62 है, उसमें उन्होंने हम जो आत्मचिंतन करते हैं उसके बारे में बात की है। आत्मचिंतन का मतलब यह है कि हमारे मन में जो ध्येय है या हमारे मन में जो लोभ है उसके बारे में हम सोचते हैं, साध्य क्या है उसके बारे में हम सोचते हैं। और एक क्षण ऐसे आता है कि भौतिक जीवन का जो लोभ है, मोह है, उससे हम इतने चंचल बन जाते हैं कि हमारा जो ध्येय है उससे हम दूर चले जाते हैं। अभी पहले हम श्लोक सुनते हैं। निज ध्यान जो सकल टूटा कला से, हुआ क्रोध भी शोक भी जो बला से, सुखानंद भी भेद में जो डुबाया, मनोनिग्रह खेद नव में उड़ाया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? निज ध्यान जो सकल टूटा कला से, जो मूल मराठी श्लोक है उसमें समर्थ रामदास जी ने लिखा है निज ध्यास। अब उपनिषदों में जो शब्द है वो है निधिध्यास, लेकिन निधिध्यास हो या निज ध्यास हो या तो ये निज ध्यान हो, इसमें सकारात्मकता है, इसमें प्रासादिकता है, इसमें हम सत्य संकल्प के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए इसे निज ध्यान या निज ध्यास या निधि ध्यास कहा गया है। ये जो निधि ध्यास है वो भगवान के बारे में है, धर्म के बारे में है, शुचिता के बारे में है। समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि निज ध्यान जो सकल टूटा कला से, कला है, इसका मतलब ये है आस्ते 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 वो टूटते गया, एक ही घाव में नहीं टूटा। ये जो निज ध्यान है, जैसे जैसे भौतिक लोभ मोह आकर्षण हमारे जीवन में आने लगे, वैसे वैसे यहाँ से ये जो भगवान का विचार है, ये जो निज ध्यास है, निधि ध्यास है, वो आस्ते आस्ते टूटते गया। और इसलिए उन्होंने यहाँ कला ये शब्द का आयोजन इसलिए किया है कि जैसे चांद की कलाएँ रहती हैं, प्रथमा से लेकर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये कला है आस्ते आस्ते। तो ये जो आस्ते आस्ते हो रहा है वो क्या हो रहा है? जो आपके मन में ध्येय था, जो संकल्प था, सत्य संकल्प था, उससे टूटने की शुरुआत हुई। क्यों हुई? भौतिक जीवन में जो आकर्षण है वो आकर्षण आस्ते आस्ते अंदर आने लगे। इसलिए निज ध्यान जो सकल टूटा कला से। अब क्या हुआ? हुआ क्रोध भी शोक भी जो बला से। अब
हम खुद पे ही जबरदस्ती करने लगे। ये आसक्ति की बात है। क्या होने लगा? ये हुआ क्रोध भी शोक भी जो भला से। जैसे ही कोई भौतिक आकर्षण हमें चाहिए और अगर नहीं मिला तो हमारे मन में क्रोध पैदा हुआ, और वो क्रोध पैदा होने के बाद हम वो पाने के लिए जबरदस्ती करने लगे, खुद पर ही जबरदस्ती करने लगे। इसलिए ये सब बला से, ये बला से जो विनियोग किया है वो इसके लिए किया है कि हुआ क्रोध भी शोक भी जो बला से। अब क्या हुआ, हम गए जबरदस्ती करने, और जबरदस्ती करने का परिणाम जो है वो शोक में हुआ, क्योंकि फिर भी नहीं मिला। ये जो भौतिक आकर्षण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो रिपु है, इस रिपुओं के माध्यम से हमें भौतिक चीजों का आकर्षण अगर तैयार होता है तो हमारा जो निज ध्यान है वो टूट जाता है कला से, और फिर हम उनको पाने के लिए इतना जबरदस्ती करते हैं खुद से कि उससे शोक तैयार होता है। वो शोक हम ही तैयार करें। कैसे करें? बला से हम ही खुद के ऊपर जबरदस्ती करने लगे, और जोर से हमें ये चीज चाहिए इसलिए हमारा जो निरंक्रम है उसमें परिवर्तन लाने लगे। एक दूसरे पे हम लोभ के माध्यम से आरोप करने लगे, ये चाहिए ये नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा है, कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे क्रोध आ गया, झगड़ा आ गया, दूसरे से पंगा लेना आवश्यक है, ऐसे मेरे मन को लगने लगा। इसलिए तीसरी स्थिति आ गई। वो कहते हैं कि सुखानंद भी भेद में जो डुबाया। अब जो सुख और आनंद है वो भी, वो चीज प्राप्त करने के लिए मैंने भेद का इस्तेमाल किया। साम दाम दंड भेद, साम से नहीं हुआ, दाम से नहीं हुआ, दंड से नहीं हुआ, गुस्से से नहीं हुआ, क्रोध से नहीं पाया मैंने वो चीज जो मुझे चाहिए, फिर मैंने क्या किया, भेद। अभी भेद होने से क्या हो गया, जो मेरे मित्र परिवार है, मेरे जो अपने लोग हैं, उनको भी अभी ये जो भेद मैं कर रहा हूँ उससे नुकसान पहुँचने लगा, और फिर उनके माध्यम से जो सुख और आनंद मुझे मिलता था वो भी गया। इसलिए तीसरी स्थिति में संत रामदास जी कह रहे हैं कि सुखानंद भी भेद में जो डुबाया, हमने ही डुबाया उसको, सुख और आनंद जो मिल रहा था। और फिर इन तीनों स्थितियों का परिणाम क्या है, चौथी स्थिति है, मनोनिग्रह खेद नव में उड़ाया। मनोनिग्रह था मेरा, भगवान को प्राप्त करना, जप करना, धर्म कार्य करना, सत्य संकल्प को प्रत्यक्ष में आने के लिए कोशिश करना, ये जो मेरा मनोनिग्रह था, वो निग्रह जो था वो अब दुख में परावर्तित हुआ, खेद होने लगा उस सभी स्थिति का, उस परिस्थिति का खेद मुझे होने लगा। और उससे क्या हुआ, जो मनोनिग्रह, निग्रह का मतलब है कन्विक्शन, और ये जो निग्रह था, जो चीज पाने के लिए मैंने शुरुआत की थी वो वहां से मैंने निकाल दी। वो कहाँ, पूरे आसमान में गायब हो गई पता नहीं, इस पूरे विश्व में गायब हो गई पता नहीं, अब मुझे वो नहीं मिल रही। इसलिए वो कह रहे हैं मनोनिग्रह खेद नव में उड़ाया। देखिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से हमें एक जानना चाहिए कि जो सातत्य है, निग्रह है, कन्विक्शन है, कंसिस्टेंसी है, जो मेरे मन में मैंने तय किया है, इसे भगवद्गीता में व्यवसायात्मक बुद्धि कहा गया है। दो तरीके की जो बुद्धि है, एक है व्यवसायात्मक बुद्धि यानी कि निश्चयात्मक बुद्धि, और दूसरी जो है वो बहुशाखा बुद्धि। यहाँ पे समंत रामदास जी बहुशाखा बुद्धि का जिक्र कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कि मैं मेरा ध्येय छोड़ के अन्य आकर्षित करने वाले भौतिक चीज़ों पर काम करने लगा, इसका मतलब मैं निश्चयात्मक बुद्धि से यानी व्यवसायात्मक बुद्धि से निकल कर मैं चंचला बुद्धि यानी कि बहुशाखा बुद्धि में चला गया। जो अर्जुन की स्थिति है, जो निग्रह है, धनुर्धर करके जो निग्रह है वो टूटा उसका, क्षत्रियत्व जो था वो टूटा, क्योंकि मन में अपने रिश्तेदारों के बारे में और भौतिक चीजों के बारे में लोभ निर्माण हुआ। फिर एक बार श्लोक सुन लीजिए और रिकलेक्शन ट्रैंक्विलिटी चिंतन कीजिए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्लोक ऐसा है, निज ध्यान जो सकल टूटा कला से, हुआ क्रोध भी शोक भी जो बला से, सुखानंद भी भेद में जो डुबाया, मनोनिग्रह खेद नव में उड़ाया। चिंतन करो,
फिर आपको पता लगेगा समर्थ रामदास जी सच्चाई में आपसे क्या विनती कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री राम।